नमस्कार प्रिय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आरएस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमने जो क्लासेस स्टार्ट करी है उसमें क्लासेस यह है जो गणित की रहेंगी, मैथमेटिक्स की। देखिए, इससे पहले वाला मोहिची का जो लेक्चर था, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो अवश्य देख लेना। वो जो लेक्चर था कि आरएस प्री की कुंजी क्या है, आरएस प्री आपको क्लियर करना है तो उसकी कुंजी मैथमेटिक्स है। और क्यों इंजीनियरिंग वाले बच्चे अधिकतम इस परीक्षा में प्री आसानी से उत्तीर्ण कर रहे थे, उसका टोटल एनालिसिस आपको उसके अंतर्गत मिल जाएगा। अब देखो, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू करेंगे प्रतिशत से, बेस से लेके चलेंगे। और आप ये तय मान के चलना कि जितने भी मैथमेटिक्स के हम टॉपिक करेंगे वो इस लेवल के करेंगे कि प्री में यदि कोई कठिन से कठिनतम प्रश्न भी आ गया तो आप उसको आसानी से कर पाए। अच्छा, अब बेसिकली क्या इसमें हम स्ट्रैटेजी लेंगे तैयारी की, तो उसमें देखो तीन स्टेप हमने तय कर रखे हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, अधिकतम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। स्टेप फर्स्ट में हम कॉन्सेप्ट। अच्छा, स्टेप टू में क्या देखेंगे, स्टेप टू में आपको हम क्वेश्चंस देंगे। देखिए, अपनी ऐप है, जो नए विद्यार्थी उनको बता दें, अभ्युदय आईएएस करके ऐप है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अभ्युदय आईएएस करके ऐप डाउनलोड कर लेना और उसमें जो आरएस का बैच ज्वाइन करना, उसमें आपको खूब प्रश्न मिलेंगे अभ्यास करने के लिए। जैसे हमने परसेंटेज किया, यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर ली हमने, अभ्यास के आपको प्रश्न दे दिए। जैसे ही आप अभ्यास के प्रश्न कर लेंगे, उसमें जिन जिन प्रश्नों में दिक्कत आएगी उसको हम एक बार डिस्कस भी कर लेंगे, समझ गए। अच्छा, डिस्कशन करने के बाद मेरा इवैल्यूएशन मैं कैसे करूं, मेरी तैयारी कैसी चल रही है। संडे को जिस भी टॉपिक की तैयारी चल रही है उसको आपको टेस्ट मिल जाएगा, ये भी आपको ऐप पर ही उपलब्ध होगा। हाँ, इस टेस्ट की बेसिकली जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो ऐप पर मिलेगा मिलेगा, इनिशियली ये हम यूट्यूब पर भी अपलोड कर देंगे। ये बेसिकली अपना इसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग विद अभ्यास के प्रैक्टिस सेशंस और टेस्ट, ये तीन चरणों में हमारी इसकी तैयारी चलेगी। और ये चलेगी अल्टरनेटिव डे, मतलब कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, MWF, तीन दिन हमारी गणित की क्लासेस रहेंगी, अर्ली इन द मॉर्निंग रहेंगी, या जो आपको समय सूट रहेगा उस समय इसको अपलोड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ हिंदी ग्रामर भी आपकी चलती रहेगी, जो मेंस की तैयारी भी हम साथ साथ लेते हुए चलेंगे। पर इनिशियली ये जो मैथ्स का टॉपिक है सारे, मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, डेटा हैंडलिंग हो गई, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, ये हम साथ साथ लेके चलेंगे। चलें स्टार्ट करें प्रतिशत। सबसे अधिक प्रतिशत हमने कहाँ सुना है, जब एग्ज़ाम के मार्क्स आते थे तो कहते थे आपके बच्चे के कितने प्रतिशत मार गए। हम भी कहते हैं कि भैया देखो, मेरे इतने प्रतिशत मार गए, तेरे इतने प्रतिशत मार गए, तुलना करने का सबसे सटीक माध्यम है। और आजकल तो आप देख ही रहे हो, हर बच्चा 90-95% नंबर लेके आ रहा है। चारित्रिक रूप से कितना ही हनन हो जाए, लेकिन अंकों के मामले में तो खूब बच्चे नंबर लेके आ रहे हैं। और वो हम किस में तुलना करते हैं, प्रतिशत में तुलना करते हैं। चलो इसमें समझो अभी एक बार, प्रतिशत। देखो, हिंदी के शब्दों को अगर आपने समझ लिया ना तो आधी गणित तो आप वैसे ही समझ जाओगे। हमने इसको तोड़ा प्रति और शत में, इंग्लिश को बाद में देखेंगे, अपन तो अभी हिंदी का देख लेते हैं। हम कहते हैं ना भैया, प्रति व्यक्ति बोलते हैं ना भैया, प्रति व्यक्ति ने इतनी रोटी खा ली, मतलब एक व्यक्ति ने इतनी रोटी खा ली। या कहते हैं भैया, समोसे लेके आना, पार्टी वार्टी चल रही है, तो प्रति व्यक्ति 5 समोसे लेके आना। तो प्रति मतलब एक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो साहब, प्रति मतलब हो गया हम एक की बात कर रहे हैं। अच्छा, शत क्या होता है, शत प्रतिशत, ये शब्द है ना, यही गलत है। शत प्रतिशत नहीं होता, प्रतिशत ही होता है। अगर आप अगली बार किसी से कहो ना कि मेरा तो आरएस प्री प्रतिशत सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये तो फिर भी ठीक है, शत प्रतिशत। अरे प्रतिशत में शत जुड़ा हुआ है, जो 100 है वो प्रतिशत में जुड़ा हुआ है, क्लियर। और इस शत को हम बोलते हैं 100, मतलब प्रतिशत में तुलना करना। क्या है प्रतिशत, तुलना करना। तुलना करने का हमारे गणितज्ञों ने दिया, भारतीय गणितज्ञों ने दिया तोहफा है। अच्छा, तुलना किससे करेंगे, 100 से करेंगे, जिससे भी करेंगे हम 100 से करेंगे। इस चिन्ह को जो हम प्रदर्शित करते हैं वो इससे करते हैं, दो बिंदी के बीच में एक टेढ़ा पाया लगा देते हैं, ये हमारा प्रतिशत का चिन्ह है, ठीक है। अगर मैं केवल ये लिख दूं आपसे,
ये चिन्ह लिख दूं प्रतिशत, तो इसका मतलब क्या बताया मैंने आपको, 100। अच्छा, इस प्रतिशत को हम ये कहते हैं कि हर हर महादेव है, मतलब हर है। देखो हमारे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होता है ना, तो इसको हम डिनोमिनेटर हर बोलते हैं, 100। अच्छा, अब इसके आगे मैं कुछ भी लगा दूं, जैसे मैं हूं, या मैंने लगा दिया विकास प्रतिशत, तो भैया विकास का जितना प्रतिशत है वो ये हो जाएगा, जैसे कि विकास बटे 100। क्लियर? अच्छा, विकास की जगह मैं अगर एक्स लगा दूं तो एक्स बटा 100। अब इसका अर्थ क्या हो गया, देखो ये जो नीचे वाला है ना, ये होल नंबर होल है, ये मतलब 100 में एक्स की मात्रा बता रहा है। क्या? 100 में एक्स की मात्रा बता रहा है। अच्छा, 2/100 लिख दिया मैंने, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 100 है ना, इस 100 में से 2 भाग, क्या 100 में से 2 भाग, जो फ्रैक्शन में हम देखते हैं ना, ये वही है, 100 में से 2 भाग। यदि मैंने आपसे कहा कि भैया 100 रोटियां आई थी, उसमें से 2 रोटी मैंने खा ली, 2/100 में मैं व्यक्त करूंगा। अब 100 है तो मैं प्रतिशत में भी कर सकता हूँ भैया, कि 2% रोटी मैंने खा ली। ये तो हो गया हमारा बटे वाला प्रति, और ये हो गया 100 शत। प्रतिशत की कहानी का संकट दूर। चलो आगे चलते हैं, आपको सामान्य प्रश्न लेते हैं जिससे हमारा अभ्यास बनना शुरू हो जाए। देखो मेरे दोस्तों, एक होता है ए अपॉन बी, यदि मुझे उसको प्रतिशत में बताना हो तो कैसे बताऊंगा मैं, ए अपॉन बी गुणा 100, ये मेरा क्या आएगा, प्रतिशत में आएगा। देखो कैसे, अगर मैंने इसको 2/5 है, इसको प्रतिशत में बताना है, तो 2/5 गुना 100, और इसको मैं बता दूं प्रतिशत में, कैसे निकलेगा ये तो आप सबको ध्यान ही है, 20-40%। सामान्य आपका एक अभ्यास प्रश्न हो गया ही। चलो आगे चलें, अब मैं आपसे कहता हूँ कुछ साधारण भिन्न को चेंज करके देखते हैं। कईयों की क्या होती है, काफ़ी पुरानी यादें होती हैं गणित की, खास तौर पर हम आर्ट्स वाले बच्चों के साथ में, तो उनके लिए वो पुरानी यादें ताज़ा करनी बहुत आवश्यक है। एक बार वो यादें ताज़ा हो जाती है ना, फिर तो वो रॉकेट बन जाते हैं। देखो 35%, इसको मुझे यदि प्रतिशत में बदलना है तो बड़ी सिंपल, 35 ये हमारा प्रति, और ये हमारा 100 नीचे आ गया। ठीक है साहब, काट दूं इसको 5 से, 7/20। क्लियर है ना? अच्छा, ये प्रतिशत को चेंज किया है मैंने, ध्यान रखना। आगे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे हमारे प्रतिशत को हल करने में काफी समस्या कम हो जाएंगी। 1.6%, इसको देख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर दूं मैं, 1.6 अपॉन प्रतिशत का 100 नीचे आ गया, और आगे मैंने सिंपल किया तो पॉइंट हट गया, तो ये भैया 1-0 नीचे आ गई। अच्छा, सीधे इसको काटते हैं तो आप ये आ जाएगा आपका 8 × 16 और 1000 का 125, 2/125, ये इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गया। देखिए आगे ना, जैसे जैसे हम एक टाइप ऑफ प्रश्न कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको एक टेबल लिखा दूंगा, उसके बाद आपको प्रतिशत के जो जटिल अंक आएंगे उसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं, और देखो एक प्रश्न देखो, 48 का, 48 का कितने प्रतिशत 6 है? देखो एक बार क्या है, इसके बाद दोस्तों हमें ना करीबन 15 टाइप के प्रश्न करेंगे, और हर टाइप के मान के चलो करीबन 8-10 प्रश्न करेंगे, तो 150 प्रश्न तो हम अभ्यास यूं ही कर लेंगे, और 150 के आसपास ही आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपको क्या करना है, डेली का 1 घंटा ही तो निकालना है इस क्लास के बाद में, 1 घंटे में अपनी बस प्रैक्टिस करते जाना, धीरे 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 आपके ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और जब हमारी टेस्ट सीरीज अपन स्टार्ट करेंगे, तो उन टेस्ट सीरीज में आपके RSP के आधे से अधिक प्रश्न के मानसिकता आपकी बननी स्टार्ट हो जाएगी, और आप उनको आसानी से हल भी कर पाओगे। चलें, 48 का कितने प्रतिशत 6 है? देखो एक चीज़ और समझो, हमारे एक मलिक सर थे गांव में, उन्होंने एक चीज बताई थी,
ज्ञात करना है उसको तो लिखो ऊपर, और नीचे लिखा था ज्ञात है आपको, इसको रट लो एक बार। जो भी चीज आपको ज्ञात करनी है वो तो लिख दो ऊपर, जो ज्ञात है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, एक बार ये देखो। अब 48 का कितने प्रतिशत 6 है, 48 का कितने प्रतिशत 6 है। यदि इसको आप ऐसे सिंपल देखोगे तो क्या है भैया, टोटल आपका 48 है, ये 6 है, इसका प्रतिशत बताना है, तो लोसा प्रतिशत बता लो। ठीक है, 6 कम 6, 8 से 48 का 8 गया, और ऊपर 100 है तो आप जानते हो 12.5% हो गया। क्लियर, सही है, इसमें कोई समस्या? ये ज्ञात करना है, ज्ञात है, ये साइड में से लाइन बना के आप लिख लेना, ये आपको आगे बहुत काम देने वाला है। अभी 48 की जगह मैं कर देता हूं 18 का कितने प्रतिशत 36 है, क्या 18 का कितने प्रतिशत 36 है? देखो ये पूछ रहा है 18 का, 18 हमारा नीचे आएगा साहब डिनोमिनेटर हर, और ये पूछ रहा है 18 का 36 कितना हो गया, ये लो साहब 100 कर दिया हमने, तो ये हमारा कितना आ गया साहब 200% हो गया। कितना हो गया? 200% हो गया। वैसे भी 18 पूरा अपने में 100 है, और एक भाई हो इसको और मिल गया 18, तो ये कितना हो गया 100 और 100 200%। देखो गणित और कुछ नहीं है, आम जीवन में हम जो काम धाम करते हैं ना उसको अंकों में इन्होंने बस प्रदर्शित कर दिया। अगर आप आम जीवन में हमारी लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है ना, तो कई बार सूत्र नहीं आते हुए भी जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। चलो आगे चलते हैं, दो छोटे से प्रश्न और देख लेते हैं। एक प्रश्न देखो, 3 किलोग्राम का 12 ग्राम कितने प्रतिशत है? ठीक है ना, 3 किलोग्राम का, ये ग्राम में, तो इसको भी ग्राम में चेंज कर लेते हैं, 3000 ग्राम। अब इसका बताना है हमें 12 ग्राम, 12 बटा 3000 गुणा 100, 6 दूनी 12 और 6 पंजो 30, 2/5%। क्लियर है? और इसको शॉर्ट कर दूं मैं, 5 में 2 में 5 का भाग देता हूं, पॉइंट लगाया 0, 5 चौका 20, 0.4%। कितना है सब? 0.4%। क्लियर? एक और देखो, एक प्रश्न और देखो, 432 का 6/2/3% कितना होगा? 432 का 6/2/3% कितना होगा? देखो एक बार बस गाड़ी आपकी स्पीड पकड़ जाएगी ना, फिर खूब दौड़ती रहेगी, तो टेंशन मत लेना, बहुत प्रश्न करने वाले हैं, करीबन 150 के आसपास परसेंटेज के प्रश्न करेंगे हम, जितने भी टाइप्स होते हैं, तो एक बार बस लगे रहो। 6 3 18, 18 में 2 जोड़ा 20, 20/3। क्लियर? अब प्रतिशत में है ये, तो बटा हर में अपने 100 आ गया ये। क्लियर? अच्छा, 20 एकम 20, ये अपना 5 से चले गया, अभी 3 से काट दूं इसको सब, 3 एकम 3 13, 3 चौक 12, और ये 3 चौक 12। क्लियर? 144/5, तो हो गया 5 दूनी 10, इधर अपना 40 आ गया, 8 पंजा 40, 28 आ गया, और मैं आगे जाता हूँ तो इसमें 28 आ गया, 4 4 बज गया, पॉइंट लगा के 0 हो गया, दोबारा 8 पंजा 40, सॉरी 28.80 आएगा। क्या? 432 का 6/2/3% कितना होगा साहब? 28.80 आएगा। अच्छा, अब हम अभ्यास के वह प्रश्न करने जा रहे हैं जो सामान्यतः एसएससी में, एसएससी की परीक्षा में, या अन्य वह सभी परीक्षाएं जिनमें मैथमेटिक्स कोर रूप में आती है, वह प्रश्न उठाएंगे और उसका अभ्यास करते हैं, और जैसे ही आज के इन अभ्यास के प्रश्न टाइप फर्स्ट के हो जाएंगे
टाइप फर्स्ट के मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, जो आप ऐप के माध्यम से प्रैक्टिस कर लेना। और जो भी प्रश्न होंगे वो आपकी स्क्रीन पे ऊपर आई जाएंगे, आप वहां पढ़ लेना, मैं भैया अपनी नोटबुक में पढ़ लूंगा उस प्रश्न को। चलो साहब, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टाइप वन के प्रश्न। ये सारे प्रश्न एक ही प्रकृति के होंगे और उसमें विभिन्न प्रकार के जो डिफिकल्टीज लेवल होंगे उन क्वेश्चंस को उनको लेते चलेंगे। मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। यदि एक्स वाई से 20% कम है तो वाई माइनस एक्स अपॉन वाई और एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई को ज्ञात करें। देखो बड़े सिंपल, चलो अपने तो ये कह रहा है एक्स वाई से 20% कम है, ये कह रहा है सब, यही कह रहा है ना। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में, जब देखो गणित में आप बिल्कुल बड़ा भारी दिमाग मत लगाना, यदि आपने इसकी लैंग्वेज समझ गए ना प्रश्नों की तो आधे प्रश्न तो आप वैसे ही सॉल्व कर जाओगे। एक्स वाई से 20% कम है, मतलब कि यदि वाई 100 लड्डू खाता है तो एक्स उससे 20% कम लड्डू खाता है, मतलब एक्स खाता है सब हमारा 80। अब इसने दो इक्वेशन आपको दे रखी है, वाई माइनस एक्स अपॉन वाई और दूसरा दे रखा है एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई। अब कुछ नहीं करना, एक्स वाले ने जितने लड्डू खाए उसकी जगह रख दो, वाई वाले ने जितने लड्डू खाए उसकी जगह रख दो। वाई कितना है साहब 100 और एक्स कितना है 80, और वाई कितना है 100, 100 में से 80 गया तो बचा 20 और ये हमारा 100 आ गया, तो ये तो आ गया भाई साहब 1/5। कितना आ गया 1/5। दूसरा बोल रहा है ये एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स की जगह मैंने रख दिया 80 और एक्स की जगह मैंने रख दिया 80 और वाई की जगह मैं ले आया 100, तो 80 बटा कितना हो गया साहब माइनस का 20। 80 में से 100 हो जाएगा तो माइनस हो गया ना। अच्छा ध्यान रखना, ये जो नीचे माइनस होता है ना बटे में, तो ये ऊपर ही मानना आप इसको, है ना, ऊपर ही माना जाता है वो, कंफ्यूज मत होना। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आ गया आपका -4। क्या आ गया -4। तो इस वाले का तो उत्तर हो गया आपका 1/5 और इस वाले का उत्तर हो गया आपका -4। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं, टाइप वन का दूसरा सवाल देखेंगे। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न आ ही जाएगा, मैं पढ़ देता हूँ जवाब। अगला प्रश्न है अपना, हाँ ये क्या ट्रेन निकलती है पास में से, ट्रेन गई, मालगाड़ी लंबी भी होती है। चलिए प्रश्न है, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है वह प्रति मास 1200 रुपये बचाता है, उसका व्यय बताना है आपको प्रति मास रुपए में। बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है। देखो मुझे एक चीज बताओ, 10 रुपये यदि आप कमाते हो और 5 रुपये यदि आप खर्च कर देते हो तो कितने बचे साहब, 5 रुपये बचे, ठीक है ना। अब ये आपसे प्रश्न कह रहा है 66.2/3% कमाता है ये, क्लियर, 66.2/3% खर्च कर देता है, तो भैया इसके बचेंगे कितने, 100%। वैसे 100% तो हम पूरा होल मान के चलते हैं साहब, इनके पास बच गए 33.1/3%, यही बच गए ना। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, आगे प्रश्न कहता है कि उसकी मासिक बचत कितनी है, 1200 रुपये है। अब मुझे बताओ ये जो 33.5 रुपये है यही इसकी मासिक बचत है ना, यही इसकी मासिक बचत है, आपको निकालना है ये, यही निकालना है ना आपको। अब आपके पास ये मालूम पड़ गया मुझे कि साहब 33.5 मेरा 1200 के बराबर है। अब देखो एक मिनट, 33.5 को मैं और सिंपल करता हूँ तो 33 के 99, 99 में एक जोड़ा तो 100, 100/3 यही है ना, 100/3% इजिकल टू है आपका 1200, यही है ना। अच्छा मुझे बताओ, मैं इसको और सरल कर देता हूँ, ये मेरा हो गया 100%, मतलब 100% इजिकल टू 12 36,
अब 12 + 36 कैसे हो गए भैया? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो ये कितने हो गए? 3600 रुपये हो गए। मतलब 100% हमारा 3600 रुपये है। क्या? 100% मेरा 3600 रुपये है। अब तो सवाल सॉल्व भी हो गया कि साहब मेरे पास 3600 रुपये थे, उसमें से 1200 रुपये मैंने बचा लिए, तो कितने रुपए मैंने खर्च कर दिए? 2400 रुपये खर्च कर दिए। सिंपल। देखो कई बार क्या है, बड़े बड़े सूत्र याद नहीं होते ना, तो टेंशन मत लेना। यदि आप उसकी लैंग्वेज समझ गए ना क्वेश्चन की, तो आप बिना सूत्र जाने भी उनको आराम से हल कर सकते हो। इसलिए एग्जाम में पैनिक मत होना, ठीक है? और देखो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आगे मैं जो आपको सूत्र है अपना ज्ञात करना है बटा ज्ञात है, ये आपको बहुत लाभ देने वाला है। जो चीज़ आपके पास, एक तो ज्ञात करना है बटे ज्ञात है, देखो, और दूसरा आपके पास जो ज्ञात है ना, जो भी ज्ञात है और उसका आपको परसेंटेज दे रखा है, वो परसेंटेज नीचे लिख लेना, उससे भी आपके आधे से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है ना? देखो ये जो दो सूत्र है ना, हमारे गांव वाले मलिक सर ने बताया था। इनका मैं इसलिए बड़ा तगड़ा फैन हूँ क्योंकि जब मैंने कैट जेड मैट वगैरह परीक्षाएं दी थी, तो MBA से पहले हमारी परीक्षाओं में खूब अच्छे नंबर आए थे। केवल इस ज्ञात करना है और ज्ञात के, क्या हुआ था को इंसिडेंसली उस समय हमारे कैट और मैट के पेपर में परसेंटेज और रेशियो और प्रोपोर्शन और मिक्सचर और एलिगेशन खूब सवाल आए थे, और सारे वो बेस्ड इसी पे थे। सब जगह ये फार्मूले मैंने यूज़ में किया और मेरा काम होता चले गया। देखिए हमारे गुरु जी के इस सूत्र से भी इसको देख लो, बड़ा सरल है। आपके पास ज्ञात क्या है? 1200 रुपये आपको ज्ञात है। आपको ये भी मालूम पड़ गया कि ये 33.5% है, मतलब 100/3। क्लियर है? अब ये 100/3 है, आपको किस पे निकालना है? अब आपको पूरे पैसे निकालने हैं कि उसकी तनख्वाह कितनी थी। ये तो बचत है ना, बचत आपके 33 से 1/3 है, और आपको अगर पूरी तनख्वाह निकालनी है तो 100 कर दो। अच्छा, अगर आपको पूरी तनख्वाह 100 नहीं निकालनी और आपको ये निकालना है 66.5, और 66 से 2/3, तो आप 66 से 2/3 कर दो। प्रतिशत पे तो ये भी है, तो कोई टेंशन नहीं है, प्रतिशत से प्रतिशत ये कट जाएगा, ठीक है? इसको यदि आप सिंपलर फॉर्म में करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। यदि आप इसको 100 कर लेते हो कि साहब मेरे को तो पूरी तनख्वाह ही निकालनी है, तो वो हमारे लिए सरल हो जाता है। क्लियर? ये 100 है, इसको मैं उल्टा करूँगा तो 3 कहाँ चल जाएगा? सब ऊपर चले जाएगा। क्लियर? और 100 हमारा नीचे के नीचे रह जाएगा। ये 100 से 100 कट गया, और 12 से 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा 3600 आ गया, ठीक है? देखो ये धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा। जो हमारा बेसिक मैथ है उसके अकॉर्डिंग आप करते हो तो आपका इस प्रकार से सरलता से ये सवाल हल हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न देखो साहब, स्क्रीन पर आ जाएगा आपके प्रश्न। 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा? ये सब 1000 है। 1000 का जैसे का कहीं भी आ जाए ना, तो वो मल्टीप्लिकेशन के बारे में शो करता है। अंग्रेजी में ऑफ के हिसाब से आता है। 1000 का कितना प्रतिशत? 25%। फिर आगे क्या करा है? इसका भी 1%। ये लो साहब इसका भी 1%। अब इसका भी 1%। ये लो साहब इसका भी 1% कर दिया। जो प्रश्न कह रहा है बस वो करते जाओ, उसके साथ बहते जाओ आप। ये साहब 3 बिंदी थी, तो 2 बिंदी मैंने इससे हटा दी और 1 बिंदी मैंने इससे काट दी। बड़ा सरल हो गया आपके लिए। तो ये 25 बटा नीचे आपके 3 जीरो हो गई। अब इसको काटा पिटी मत करना, जितना सरल हो उसको सरल रहने देना। अब ये 3 बिंदी लगानी है, हटानी है, तो क्या करोगे? पॉइंट लगा दोगे। अच्छा, पॉइंट लगाना कैसे? अब ये देख लो साहब, 1 2 3 हटा दी मैंने, 1 2 3 आती क्या? ठोक दो पॉइंट, ठोक दो, ठीक है क्या? नहीं, 3 है तो 3 ही बिंदी लगा दो मेरे प्रभु, और पॉइंट लगा दो यहाँ पे, ये भी ठीक है क्या? नहीं, देखो पुनः देख लो एक बार, ये 25 है। अब मुझे चाहिए यहाँ पे 1000, ठीक है, 0, और मैंने लगा दिया पॉइंट। अब ठीक है, बहुत बढ़िया, चेक कर लूँ मैं इसको। पॉइंट हटा दो, इस पॉइंट का मैं लेके आ गया 1, और इसके आगे के 3 अंक थे, उन 3 अंकों का 0 0 लेके आ गया,
देखो 1000, समझ गए? मतलब उत्तर क्या होगा आपका, 0.025। क्या होगा? 0.025। अब देखो मैं आने आपको ये इतनी गणित क्यों करी। देखो हम जब RS प्री के लास्ट ईयर में जो टेस्ट सीरीज थी उसमें ये प्रश्न आए थे ऐसे, आप बिलीव नहीं करोगे, 150 बच्चों में से जल्दबाजी में ये पॉइंट हटाने और लगाने में उत्तर में ऊंच चूक कर गए थे ऑप्शंस में। ये जो ऑप्शंस थे ना, तो किसी ने पॉइंट एक ज़्यादा लगा दिया, एक पॉइंट कम लगा दिया। तो आपको क्या करना है, नीचे 3 बिंदु 3 0 है ना, तो यहाँ से गिनना चालू करो, 1 2 3 होते ही डॉट लगा दो। क्लियर? ये भी आगे समझ में। आगे चलते हैं, देखो इन प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे अपन आगे बढ़ाएंगे, इनको देखते चलो समझते चलो, तुरंत फिर अपनी बाद में अच्छे प्रश्न आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये भी मेरी नज़र में सब अच्छे प्रश्न हैं, प्रश्न कोई बुरे नहीं होते। अगला प्रश्न पढ़िए साहब। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है, शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे हों तो उसके पास प्रारंभ में क्या धनराशि थी? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा केवल उद्देश्य इतना है कि ये जितनी भी लैंग्वेज वाले प्रश्न आए ना, वर्ड प्रॉब्लम्स जिनको हम कहते हैं, उस प्रश्नों के वर्ड्स को आप समझ जाओ, उनकी लाइन क्या कह रही है, उसके पीछे के मीनिंग को समझ जाओ, तो आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्न कर लोगे। मतलब लॉजिकल रीजनिंग, यही मैं आपको यहाँ अभ्यास कराऊंगा। देखो क्या है कि जो हमारे एग्जाम की प्रकृति है ना, उसमें एलजेब्रिक न्यूमरिकल इस प्रकार के प्रश्न कम आएंगे, और ख़ास तौर पे जिसमें सूत्र सीधे टिका के आंसर निकालने हैं वो भी कम आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी, वो आपकी लॉजिकल रीजनिंग जानना चाहते हैं इन मैथमेटिक्स के प्रश्न से, खास तौर पे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की परीक्षाओं के अंतर्गत। क्लियर? मैं ये प्रश्न पढ़ूंगा, इसको समझने का प्रयास करना। एक व्यक्ति है साहब, ये सब हमारे वो व्यक्ति हैं, बड़े खुश हैं, खूब पैसा दे रहे हैं। इन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को कितना दिया, 50% दिया। अपनी पुत्री को कितना दिया, पुत्री से थोड़ा सा भेदभाव कर दिया, 30% दिया। ठीक है सर? और जो इनके पास बच गया, मतलब बच क्या गया, इसके बाद जो इनके पास पैसा बचा पुत्र और पुत्री को देने के बाद, इन्होंने क्या 80% ट्रस्ट को दे दिया। मतलब कि इन दोनों के पास जो आपके पास राशि शेष बची थी उसका 80% किसको दे दिया, ट्रस्ट को दे दिया। अच्छा, आगे फिर इन्होंने देखा कि साहब मेरे ये जो झोला है जिसमें जो धनराशि इकट्ठी थी, इस झोले में अभी कितनी राशि बाकी है। तो उन्होंने देखा साहब अभी भी 16,000 रुपये शेष बच गए। बोले गजब, ठीक है अब समझो, 50% पुत्र को दिया, 30% पुत्री को दिया, मतलब 80% पैसा तो इन दोनों बेटे बेटी को दे दिया, कितना बच गया, 20% पैसा बच गया। ठीक है ना? अच्छा, ये जो 20% पैसा है, ठीक है ना, इसी का क्या दे दिया, 80% इसने यहां पर दे दिया, इस 20% का। यही प्रश्न बोल रहा है ना कि साहब 80% तो इन दोनों बेटे बेटी को दे दिया, अब 20% पैसा बच गया, जो बच गया उसका 80% ट्रस्ट को दे दिया। यहां तक गणित ठीक चल रही है अपनी? क्लियर? अब जो प्रतिशत बच गया वो क्या हो गया, आपका 16,000 हो गया। यही हो गया ना। अब मेरे पास ये जो 20% है, ठीक है ना, इस 20% का 80% कितना होता है, 16। मतलब जो भी धनराशि आएगी 16% कुल धनराशि की, वो तो यहां पर है, ठीक है ना। 16% अगर यहां चले गया तो अब इसका बचा कितना, 4%। 4% ही तो बचा, मतलब कि जो नकद राशि है उसके पास वो कितना है, 4% है। देखो हमें कोई बड़ा कोई सूत्र वगैरह नहीं लगाना, सिंपल आप तो वर्ड प्रॉब्लम को समझो। पुनः बता रहा हूँ, अंकल जी के पास पैसा है, 50% बेटे को दे दिया, 30% बेटी को दे दिया, ठीक है ना। आप तो यूँ मान लो 100 रुपये थे इनके पास, कितने थे, 100 रुपये थे, 100 में से 50 रुपये बेटे को दे दिए, 30 रुपये बेटी को दे दिए, मतलब 80 रुपये तो गए, कितने बच गए,
₹20 बच गए, कितने बच गए, ₹20 बच गए। अब ये कह रहे हैं कि जो बच गए उसका भी 80% ने किसको दे दिया, ट्रस्ट को दे दिया। अब 20 में से 80% ट्रस्ट को दे दिया तो मतलब कितना हो गया, 20 का 80% ₹16 हो गया। अब इनके पास कितने बच गए, ₹4 बच गए, ₹4 बच गए ना, क्लियर है ना। इसी को मैं आपको प्रतिशत में कह रहा हूँ साहब कि 80% तो यहाँ हो गए, 20% बच गए, 20% का 80% 16% होता है, और 4% हमने बच गए जो ये पैसे हैं। अब अपने गांव वाले हमारे गुरुजी को पकड़ लो, वो ज्ञात करना है बट अज्ञात है, या ज्ञात है तो उसके नीचे ज्ञात है लिख लो आप अंकों का और गुणा कर दो 100 का, समझो कैसे। आपके पास क्या ज्ञात है, ये ज्ञात है, ये जो 16,000 रुपये है ना, ये कितना है, 4% है ना। अब आपकी मर्जी हो जो निकाल लो आप इससे, जो आपको मर्जी जो पूछे जो निकाल सकते हो आप, केवल इससे 16,000 है और ये आपको 4% मालूम पड़ गया कि भैया ये प्रतिशत में 4% है, तुलना करने को मिल गया आपको, तो मुझे जो चाहिए आप वो निकाल सकते हो। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ कि इन बाबूजी के जो ये जो बक्सा है इसमें कुल कितने पैसे थे, ठीक है कुल 100 थे ना, 100%, ये लो साहब। वैसे उत्तर यही पूछ रहा है वो, देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 से मैंने इसको काट दिया, 4 चौक 16, ये लो साहब 3 0 और 2 0 अपने ये लगा दी, 4 लाख रुपए बाऊजी के इस बक्से में थे, ठीक है 4 लाख रुपए आ गए। अब देखो ये जो हमारे गांव के गुरुजी ने जो बताया है ना जबरदस्त सूत्र, इसका मजा दिल लो। अब आप, आपको मालूम पड़ गया 16,000 कितना है, 4% है ना। देखो जो भी आप परसेंटेज निकालोगे परसेंटेज परसेंटेज का चिन्ह कट जाएगा। अब आप कुछ भी निकाल लो आप। अब मुझे पुत्री, अगर वो पुत्री के पैसे पूछ लेता तो लो अभी बता देता हूँ साहब, 30% पुत्री के पास पैसा था, परसेंटेज परसेंटेज चिन्ह कट गया, 4 चौक 16 4,000, 4 3 12 और अपनी ये 4 0 लग गई, मतलब 1,20,000 रुपये पुत्री के पास था। चलो पुत्री का नहीं पूछता है, पुत्र का पूछता है तो भैया 50 लगा दो, प्रतिशत से प्रतिशत का चिन्ह चले गया, 4 है 5 चौका 20, 2 लाख रुपये लो साहब। 2 लाख रुपये किसके पास है, बेटे के पास है, समझ गए। कोई बड़ा भारी सूत्र नहीं लगाना, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है आपको। हमारी परीक्षा में जब आरएस के एग्जाम में आप जाओगे ना, वो यही जज करेंगे कि भैया ये जो लॉजिकल रीजनिंग इस प्रश्नों को समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा। कोई गांव का खेतीर किसान, कोई नगर, कोई कस्बे का इस प्रकार का प्रश्न आ जाएगा आपके पास, प्रैक्टिकल कोई आपको ऐसा हल निकालना होगा तो कम से कम समझ में तो आए कि भैया उनकी लीला क्या चल रही है। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक्स का 30% बेहतर है, एक्स का मान बताइए। हमारे गांव वाले गुरुजी, एक्स का 30% बेहतर है तो एक्स का मान पूछ रहा है ना। देखो वैसे तो आप इसको सब आराम से कर देंगे, लेकिन जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो देखिए, ये जो बेहतर है ना ये कितने प्रतिशत है साहब, 30% है, कितना 30% है। आपको निकालना क्या है, अब ये कुछ ही निकला ले चाहे, ये यूँ कहते साहब एक्स का 30% बेहतर है, अब बताओ 60% कितना होता है, 40% कितना होता है, 50% कितना होता है, तेरे जजे जो पूछवा ले भाई। बेहतर बटा 30%, एक बार 100% निकाल लेते हैं लो साहब। ये परसेंटेज से परसेंटेज का चिन्ह कट गया साहब, ठीक है ये 0 से 0 काट दो, 3 से काट दिया, 3 2 6 और 1 12 हो गया अपना, 3 चौक 12 24, 240। एक्स कितना था आपका, 240 था, हमारे गुरुजी का फार्मूला। आपके पास जो ज्ञात है ना वो आप परसेंटेज में नीचे लिख लो, समझ गए ना। सपोज करो आपके पास 46 है और उसने बोला था ये 46 12% है, लो साहब नीचे 12 लिख लो। अब तेरे जैसे जो निकला ले हम निकाल देंगे, समझ गए। 46/12 गुणा आपके, अब जो लैंग्वेज आएगी ना प्रश्नों की उसके हिसाब से बस मल्टीप्लीकेशन में यहाँ लिखो और उत्तर लो, मल्टीप्लीकेशन में लिखो और उत्तर लो, क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, यदि
पी का 50%, क्यू का 25%। यदि पी का 50% इज इक्वल टू क्यू का 25% तो पी इज इक्वल टू क्यू का एक्स प्रतिशत है और एक्स ज्ञात करना है। अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है साहब। देखो ये कह रहा है पहले पी का 50%, जो प्रश्न कह रहा है हम वो करेंगे केवल, और हमें ज़्यादा गणित नहीं आती। पी का 50%, ऐसे लिख दूं 50% को, ठीक है। और आगे बोल रहा है इज इक्वल टू क्यू का 25%। लो साहब, इज इक्वल टू क्यू का 25%। और ये जो का होता है इसको भैया हम मल्टीप्लीकेशन से बताते हैं, मतलब पी का है ना, पी ऑफ 50% और क्यू ऑफ 50%। मैं इसको मल्टीप्लीकेशन में लिख दूं साहब, अभी केवल इसी को देखो आप। अच्छा अब मैं यदि इसको सॉल्व करता हूँ तो कैसे करेंगे, आप सभी जानते हो। देखो यदि ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होता है तो इसको जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपन, तो क्या करते हैं, तिरछा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, टेढ़े तीर चलाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। या फिर क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी, ये लिख सकता हूँ ना मैं। सेम कॉन्सेप्ट हमारे, देखो क्या है कि वो कहते हैं ना पुरानी धूल जम जाती है, तो इसलिए मैं आपको छोटी सी पुरानी बात बता रहा हूँ कि हम जब इज इक्वल टू में दोनों तरफ होते हैं बराबर के निशान के दोनों तरफ तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है साहब, वो तिरछे गुणा होते हैं, तिरछे गुणा होते हैं, ठीक है। तिरछे गुणा करेंगे आप, एक तरीका तो ये कि अगर इधर और इधर जो नीचे है ना उनको आप सीधे भी काट सकते हो, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम देखेंगे ऐसे कटा क्यों। देखो साहब ये पी है, ये क्यू गुणा 25/100 है। अब इसको उठा के जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो उल्टे हो जाएंगे, उल्टे हो गए तो 100 ऊपर चले गया और 50 नीचे आ गया, यही हुआ ना साहब, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, ये 100 से ये 100 काट दिया, देखो वही काम हुआ था ना। आगे सब आप करोगे ना तो ये स्पीड बनने लग जाएगी आपके, कि इज इक्वल टू में इधर और इधर अगर नीचे की जो राशि समान है तो उसको तुरंत काट देना। ये कट गया साहब 25 एकम 25, और साहब ये 25 दुनी 50 हो गया साहब ये। तो मेरा पी इज इक्वल टू क्या आया, क्यू अपॉन 2 आ गया। यहाँ तक क्लियर, कोई समस्या? क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, जो सवाल ने बोला था मैंने कल वो लिखा, मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। और एक तो भैया ध्यान करना, वैसे इस प्रकार के प्रश्न अगर नहीं भी आए ना तो जो आपके जैसे एक्स का मान पूछा उसने और आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, अगर नहीं है संकट समझ में आए कि भैया कैसे उल्टा पुल्टा करना है तो कुछ मत करना, ऑप्शन में से एक्स का मान उठाना, मतलब ऑप्शन में से एक एक ऑप्शन उठाना और एक्स की जगह लिखते जाना और हल करके देखना, जिससे आपका सेट बैठ जाए उत्तर वो ठीक कर देना, उसको भी अभी करेंगे। P इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टू आगे कहता है ये P इज इक्वल टू क्यू का एक्स प्रतिशत है, P इज इक्वल टू क्यू का एक्स प्रतिशत है और हमें फिर एक्स का मान जानना है, ये बोल रहा है ना साहब। लो साहब मैं इसको सरल कर लेता हूँ, क्यू मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन 100। सिंपल, जो सवाल कह रहा है हमें वो करना है, फिर वही बात, हमें ज़्यादा गणित नहीं आती, जो सवाल कह रहा है बस वो करे जाओ, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए जाओ, ठीक है साहब। पी इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन 100 उसने बोला, और हमने ये भी निकाला था कि पी इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 होता है, मतलब पी मतलब ये समोसा और पी मतलब ये समोसा एक ही बात है। तो मैंने क्या किया, एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये जो पी का मान इस किताब वाले ने हमें दे रखा है, यदि मैं इसको भी यूं का यूं लिख दूं तो क्यू इंटू एक्स अपॉन 100, ये मैंने लिख दिया साहब। अब बड़ी सिंपल सी गणित करनी है साहब, या तो मेरे प्यारे दोस्तों आप यूं भी सीधे काट सकते हो जैसे अपन ने यहाँ काटा था, लेकिन हम इसको पूरा करेंगे। देखो साहब आगे ये क्यू अपॉन 2 है ना, मैं इसको उधर ले जाऊँ उठा के, ठीक है। ये लो साहब देखो, ये क्यू है इंटू, ये क्यू अपॉन 2 उठा के लेके गया तो क्या बन गया, 2 अपॉन क्यू बन गया, ठीक है। और ये एक्स अपॉन 100 है ना, ठीक है ना, इसको मैं उठा के इधर ले आऊँ, एक बार के लिए उठा के ले आता हूँ,
और जब इधर उठा के लाऊंगा तो उल्टा हो जाएगा, ये 100 बटा एक्स हो गया। क्लियर? अब देखो साहब, ये एक्स से एक्स कट गया, कट गया साहब, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया मेरे पास, 100 बटा एक्स गुना 2 बन गया। क्लियर है ना? अच्छा, अब आगे देखूं मैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो ये मेरा क्या बन गया, 2x इज इक्वल टू 100 और x इज इक्वल टू 100 बटा 2, मतलब 50 आ गया। लो साहब, x की वैल्यू आपकी आ गई 50। यही पूछा था उसने कि q का x परसेंट कितना है, मतलब x इज इक्वल टू आपको 50 आ गया, x इज इक्वल टू 50 आ गया, 50% आ गया मतलब, है ना? ठीक है, कहाँ गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ तो नहीं हुई ना? ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, सही है साहब, एक्स का क्या आंसर आ गया, 50। अब देखो मेरी बात, इसको और सरल आपको करना था तो कैसे करना था, ये जो मैंने इक्वेशन करी थी ना, आप इसी स्टेज पर क्या करो, 100 अपॉन जो एक्स है ना, जो ये लिखा हुआ था, इसकी जगह आप सीधे एक्स लिखो और सीधे इसको उल्टा कर दो। कैसे? ये देखो साहब, ये आपका एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ये एक्स है, ठीक है, और ये वापस आएगा तो क्या हो जाएगा, ये सीधे 100 बटा 2 हो जाएगा और सीधे आपका एक्स का यहाँ पर 50 आ जाएगा। और अगर फिर भी नहीं मालूम तो अपना ये स्टेज कर लो, तिरछा गुणा ही तो करना है सबको, तिरछा गुणा करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 50। क्लियर? इसमें कोई शंका? चलो, ये अच्छा प्रश्न था। इसमें देखो कहाँ आदमी कंफ्यूज होता है, जब एग्जाम में हम बैठे होते हैं तो यहाँ हमारा दिमाग नहीं चलता कि भैया पी का मान ये आ गया और पी का मान उसने ये दे रखा है, मतलब कि ये दोनों मान तो समान है, ये और ये मान, तो इन दोनों मान को आपस में इक्वल टू में रख के लड़ा देना, तिरछा लड़ा देना, आपका उत्तर आ जाएगा। ऐसे प्रश्न हम और करेंगे अभी, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाँ देखो, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये तो भैया, दिया है कि ए की आय का 10% इजिकल टू बी की आय का 15% इजिकल टू सी की आय का 20% है, यदि उनकी आय का कुल योग 7800 रुपये हो तो बी की आय निकालो। अच्छा प्रश्न है, एसएससी का प्रश्न है, सीजीएल का। ओके, देखो क्या कह रहा है प्रश्न आपका, प्रश्न एक बार समझ लो। देखो वैसे मेरी आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, इस प्रकार के प्रश्नों में ऑप्शन उठा के करना, ठीक है ना, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाए, इसमें क्या होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी ऐड हो जाता है, लेकिन आपके लिए तो क्या सूत्र है, ऑप्शन में से ऑप्शन उठाना और टिका देना जो पूछा है, और उससे भैया कैलकुलेशन आपकी बैठ जाती है तो उत्तर को ठीक कर देना। चलो फिर भी क्या कह रहा है ये, ए की आय का 10%, ए का 10% बोला, बी का 15% बोला, सी का 20% बोला, यही बोला ना सवाल, और 7800 रुपये कुल हैं। देखो मेरी बात, मैंने आपसे क्या कहा था, इसको मैं अगर सिंपली फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, यही लिखूंगा ना, 10/100 इज इक्वल टू बी, ये 15/100 और ये मैंने इसी प्रकार से लिख दिया, चलो ठीक है ना। अच्छा मुझे बताओ, मैंने आपसे क्या कहा था कि जो नीचे है अगर इक्वल में सेम डिनोमिनेटर आ रहे हैं तो उनको काट दो, कोई टेंशन नहीं, सेम डिनोमिनेटर आ रहे हैं तो काट दो। लो साहब, ये कट जाएंगे, ये क्या ऊपर नीचे जाएंगे तो कट जाएंगे, जैसे हमने लास्ट सवाल में देखा था। अच्छा तो मेरा क्या बच गया, ये जैसे ए टेन बच गया, चाहे इसको टेन ए बोल लो, ठीक है ना, मैं इसको टेन ए बोल लेता हूँ, बात ये की है, टेन ए इजिकल टू 15b इजिकल टू 20c। देखो सरल तो वही है ना, टेन ए 15b 20c। अच्छा अब इसमें आगे क्या करते हैं हम, देखो इस प्रकार के सवालों में ये 10, 15 और 20 इन तीनों का एक ऐसा कॉमन नंबर लेते हैं जो तीनों के पहाड़े में आता है, जिसको हम LCM बोलते हैं ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्रम में आप क्या कर सकते हो, इन तीनों का यदि मैं सेम नंबर से भाग दे दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं सेम नंबर से भाग दे दूंगा तो, सेम नंबर से देना पड़ेगा तो इक्वल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? ये कर लिया मैंने। अच्छा अब आगे क्या करें, अब देखो साहब मैं काट दूं इसको, ये 6 से चले गए, 10 छकी 15 चौको 60 और 20 दिया 60। अच्छा क्या बन गया ये,
ए अपॉन सिक्स इज इक्वल टू बी अपॉन फोर इज इक्वल टू सी अपॉन थ्री, ये बन गया। देखो इसको एक बार इस तरीके से समझ लो, क्योंकि क्या जब हम रेशियो में प्रोपोर्शन करेंगे ना तो इस प्रकार के सवालों को आप और अच्छे से समझ पाओगे, लेकिन और कोई कारण है नहीं। बैटरी कितनी बची है अपनी, 23 मिनट है, कोई नहीं, सवाल तो हो ही जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलो अब आगे चलो, ये जो ए है ये अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल टू सी अनुपात फोर अनुपात थ्री, इसको इस प्रकार से मेंशन करते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली इसके बाद सीढ़ी यही पहुंचती है, इसके बाद सीढ़ी यही पहुंचती है, क्लियर। ए ए ए अपॉन सिक्स बी अपॉन फोर सी अपॉन थ्री को यदि मैं इस तरीके से लिख दूं तो कोई संकट है क्या? देखो ये ए का तो हो गया सिक्स, ये बी का हो गया फोर और सी का हो गया थ्री, सेम चीज है ना। चलो अब आगे देख लो, अब ये कह क्या रहा था, ये कह रहा था साहब ए प्लस बी प्लस सी तीनों की आय जोड़ देते हो तो 7800 रुपये आते हैं, यही कह रहा था ना साहब ये। अच्छा अब हमें मालूम पड़ गया 6 4 3 ये तीनों मिल जाएंगे, ये अनुपात है बेसिकली है ना, रियल फिगर नहीं है। अगर ये तीनों मिल जाएंगे तो 7800 रुपये होते हैं, तो हम ये क्या मान लेते हैं, जो सी है ये जो 6 4 3 है 6x प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 7800 है, क्लियर है ना। अच्छा मैं इनको जोड़ लूँ तीनों को, कितना हो गया 13x हो गए, 13x इज इक्वल टू 7800 हो गए, क्लियर। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 7800 बटा 13, ये लो साहब 13 के इसमें भाग दे दो 600 आ जाएगा, 13 6 78 600 आ गया, x की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है ना। पूछ किसकी रहा था आपके, b की वैल्यू पूछ रहा था, b क्या है आपका 4 है, तो 4x की जगह हमने डाल दिया 600 और आपका उत्तर आ गया 2400। देखो एक तो ये रामायण है, इतनी रामायण कर लो आप, ये भी बहुत सरल है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी कठिनाई नहीं है, जब रेशियो और प्रोपोर्शन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इतने आप कल इस स्टेप में जाते क्यों, प्रश्न अच्छा है ये, तो ऐसे अच्छे प्रश्नों को करने का एक ही सटीक तरीका है, कैलकुलेशंस भी इजी हो जाएंगी, बड़ी लंबी चौड़ी फिगर नहीं है इसमें, सीधे ऑप्शन उठाओ और बी की जगह उठा के डाल दो जो हमने इससे पहले किया था, एक आपके पास ये भी सॉल्यूशन है। एक तो सॉल्यूशन और है इसके सिंपल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मैथ को पकड़ के रखें, ये ट्रिक विक सब यही है, वहाँ कोई ट्रिक काम नहीं आती। अगर आपको वर्ड समझ में नहीं आई, जो लाइन कह रहा है प्रश्न, जो प्रश्न आपको भाव कहना चाह रहा है वो समझ में नहीं आया, तो सारी ट्रिक धरी की धर रह जाएंगी। बेसिक क्लियर कर लो एक बार, बहुत प्रश्न करने वाले हैं आने वाले टाइम में, परसेंटेज के 250-300 क्वेश्चन करेंगे हम, 250-300। आपके पास समय भी है, अल्टरनेट डे क्लासेस लगेंगी, आपको अपने जीवन का डेली का 1.5-2 घंटा देना है, तो देखो RSP निकल जाएगा, जितना आप हिस्ट्री में ज्योग्राफी में अन्य सब्जेक्ट में अपना एम्फेसिस लगाएंगे ना, उसका अगर 10% भी यहाँ दोगे तो तुम्हारा प्री निकल जाएगा। मैं ऐसे ऐसे बालकों को जानता हूँ जो इंजीनियरिंग कर रहे थे फाइनल ईयर में, ठीक है, एग्ज़ाम दे के आए, 20 क्वेश्चन तो मैथ और रीजनिंग के थे, 20 के 20 में तो 18 तो वैसे ही सही कराए वो, हैं हमारी कट ऑफ कितनी जाती है, 48-49%, 42%, ठीक है, SC ST है तो 40-42-43%। तो भैया उनने क्या किया, उनने भैया आराम से अपने परीक्षा दे के आए, 20 क्वेश्चन में से 18 वो सही करके आए और 25-1 क्वेश्चन और वो सही कराए, अब बचे कितने, 130 में से 30-35 प्रश्न तो वो ठीक कर ही आएंगे मान के चलो, थोड़े मोड़ी भी तैयारी है तो, आराम से उनके 50-55 प्रश्न सही हो गए और सबके सब सिलेक्शन लेके बैठ गए। और आप विडम्बना देखो, ऐसी बात भी नहीं है, एक बार उनको मेंस में बैठने का मौका मिल गया तो उन्हें मेंस भी क्रैक कर लिया, आराम से क्रैक कर लिया, क्योंकि वो जानते हैं भैया नंबर कहाँ से उठाने थे, उनको PhD नहीं करनी थी किसी सब्जेक्ट में, उनको ये परीक्षा सॉल्व करनी थी, परीक्षा को तोड़ना था। तो भैया आपको भी है ना परीक्षा को तोड़ना है, आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इसमें कोई PhD नहीं करनी, जैसा आपका सिलेबस कहता है उसके अनुसार चलते चलो, आपका निसंदेह सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, कल इसमें 5-7 प्रश्न और करेंगे और इसके 10 क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा ऐप पर, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना और प्रैक्टिस करने के बाद उसके सॉल्यूशन का वीडियो आपको मिल जाएगा, या सॉल्यूशन के लिए जब हम बात करेंगे तो वह भी सॉल्यूशन आप देख लेना। चलिए धन्यवाद जुड़ने के लिए, ऐप डाउनलोड कर लेना, अपने अभ्युदय IAS YouTube चैनल से जुड़ जाना और भैया जितना हो सके अपने मित्रों वगैरह को बता देना, हम बड़े सिस्टमेटिकली वे से RS की तैयारी करेंगे और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि
कि जो हमारे साथ और टीम के मेंबर्स जुड़ेंगे वो सारे वो ये जो भैया आरएस दे रखे हैं या आरएस अधिकारी हैं या जो इस बार भी अपने इंटरव्यू में बैठ रहे हैं वही सारे व्यक्ति रहेंगे, या जिनके प्री में उन्होंने बड़े अच्छे नंबरों से प्री को क्रैक किया हुआ है। क्लियर? चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसके अन्य और टाइप करेंगे और हम परसेंटेज के 15 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। ये तो टाइप फर्स्ट चल रहा है अभी, पर साथ साथ जुड़े रहो। चलो, धन्यवाद दोस्तों।